नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल स्काय। मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। शरद नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में जिन लोगों ने नवरात्र के पूरे 9 दिन का व्रत रखा है वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें इस व्रत का पारण कब करना है। तो आपको बता दें कि शरद नवरात्र का पारण अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। कई लोग 9वें दिन भी इस व्रत का पारण कर लेते हैं। पारण के साथ 9 दिनों तक चलने वाली शरद नवरात्रि का समापन हो जाता है। पारण मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है। पारण नवमी को होगा या दशमी को? मीमांसा जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की है के अनुसार पारण दशमी को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। वहीं आप नवमी को कंजक पूजन करने के बाद भी पारण कर सकते हैं। यदि नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है तब उस स्थिति में पहले दिन उपवास रखा जाता है और दूसरे दिन पारण होगा। नवमी नवरात्र पूजा का अंतिम दिन है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा का षोडशोपचार पूजा कर मूर्ति विसर्जन करना चाहिए। पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को फल, उपहार, वस्त्र, दान दक्षिणा आदि अपनी इच्छा के अनुसार देने चाहिए। साथ ही उपरोक्त चीजें 9 बालिकाओं को भी कन्या पूजन करके देनी चाहिए। आपको बता दें, इस बार व्रत पारण नवरात्र में नवमी के दोपहर को 2:22 के बाद ही किया जा सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल बोल स्काय सब्सक्राइब करें।